हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनिशा फैमिली। कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही नया डिजाइन का ये केबल का डिजाइन लेके आई हूँ स्वेटर का। तो ये बहुत ही न्यू डिजाइन है, ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आप इसे जेंट स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, बच्चों के स्वेटर या फिर किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में आप इसे डाल सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है और जितना देखने में ये मुश्किल लगता है उतना ही ये ईजी है। बस इसे आप थोड़े सा समझ के करेंगे तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा और ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आपको आज मैं अपनी तरफ से आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। अगर आप लोगों की फिर भी कोई क्वेश्चन, क्वेरी या कोई सजेशन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो फिर मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। मैं पहले बता दूं कि इसमें हमें 16 के मल्टीपल में फंदे चाहिएंगे। जो हमारा ये केबल का पैटर्न है ये हमारे 12 फंदों का है और साथ में मैंने ये दो दो फंदे उल्टे रखे हैं, ये हमारे हो गए 16। और जो ये साइड के फंदे हैं ये आप कितने भी रख सकते हैं। ये मैंने दोनों साइड 5-5 रखे हैं, आप 7-7 या 10-10 अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ये इसका हिसाब बता दिया है। तो फिर चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये डिजाइन बेसिकली 12 फंदों का हम केबल बनाएंगे और साइड में फिर मैंने ये दो दो फंदे उल्टे लिए हैं। तो इस तरह से आपको ये 16 फंदे हो गए। इस तरह से आपको ये 16 फंदे चाहिए होंगे और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ साइड में सीधे फंदे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो बेसिकली हमें 16 के मल्टीपल्स के फंदे चाहिएंगे। तो इसमें मैंने टोटल फंदे 26 डाले हैं, 16 फंदे बीच के हमारे डिजाइन के और जो बाकी हमारे डिजाइन के अलग से हैं। तो ये मैंने ये बॉर्डर बुन लिया है, 4 सिलाइयों की उल्टी सिलाइयां बुन ली है। अब हम अपने डिजाइन की फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं। अब हम फर्स्ट रो में सबसे पहले एक फंदा सीधा उतार लेंगे और इस तरह से हम 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर हम अब 12 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 11, 12 और फिर अब हम 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और लास्ट का फंदा हम एक सीधा बुनेंगे। अब हमारी ये सेकंड रो है, ये एक फंदा हमने उतार लिया और अब हम ये 2, 3, 4 अब हम दो फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2 और हम 12 फंदे अब उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3, 10, 11, 12 और दो फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1, 2 और बाकी के जो हमारे ये फंदे बचे हुए 5 फंदे इन्हें हम उल्टा ही बुनेंगे। 2, 3, 4, 5 देखिए, इस तरह से हमने ये अपनी सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली। अब हम नेक्स्ट में एक फंदा सीधा उतारेंगे और फिर इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह फंदे हमने उल्टे बुन लिए और फिर 12 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 और फिर ये हमारे 6 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। 3, 4, 5, 6 और एक फंदा सीधा। जिस तरह से हमने सेकेंड रो बनाई थी इसी तरह से अब ये रॉन्ग साइड से फोर्थ रो भी हम इसी तरह से बनाएंगे। ये पहला फंदा हमने इस तरह से बिना बुना उतार लिया। देन हमारे अब ये 5 फंदे हो गए, एक तो हमने उतार लिया और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 3, 4 और ये 2 फंदे सीधे। 1, 2 और फिर 12 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे और फिर ये बाकी के हमारे ये फंदे 5 उल्टे। इस तरह से हमने ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये रो भी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट रो में हम एक फंदा सीधा उतारेंगे और 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब हम यहाँ से अपना केबल स्टार्ट करेंगे। तो फिर हम एक सिलाई के ऊपर 3 फंदे, 1, 2, 3 ये 3 फंदे हम इस तरह से उतार लेंगे और
ये फंदे हम इस सिलाई पे उतार लेंगे, एक दो तीन, और ये वाले हम इस पे डाल देंगे, एक दो तीन, और इस तरह से ट्विस्ट करते हुए ये भी हमने, ये फंदे भी इसी सिलाई पे डाल के, ये फंदे भी इसी सिलाई पे डाल के हमें ये छह फंदे सीधे बुनने हैं। ये देखिए धागा आगे करके, और इन छह फंदों को हम सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच छह, और अब हम फिर तीन फंदे इस सिलाई पे उतार के, एक दो तीन, और इन तीन फंदों को हम पहले बुन लेंगे, एक दो तीन, और जो इस सिलाई वाले फंदे हैं ये अब हम दूसरी सिलाई पे इस तरह से डाल लेंगे, एक दो तीन, और इन फंदों को भी हम सीधा बुन लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा डिजाइन हो जाएगा, और अब हम ये छह फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा करके ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये रो मैंने कंप्लीट कर ली है। देन हम ये रॉन्ग साइड से हमारा ये एक फंदा हमने इस तरह से उल्टा बुन लिया, सॉरी ये रॉन्ग साइड से एक फंदा मैंने ये बिना बुना उतार लिया। अब हम पांच फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार, तो इसमें हमारे ये पांच फंदों में एक उल्टा बिना बुना और चार फंदे उल्टे बने हुए, तो हमारे ये पांच फंदे हो गए। और उसके बाद हम दो फंदे सीधे, एक दो, और ये जो हमारे बीच के बारह फंदे हैं इन्हें हम उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन चार नौ दस ग्यारह बारह, बारह फंदे उल्टे बुन लिए। अब हम ये दो फंदे सीधे बुनेंगे, ये देखिए, और अब हमारे ये पांच फंदे हम उल्टे बुनेंगे, ये देखिए, ये इस तरह से हमारा डिजाइन बन गया। अब नेक्स्ट रो में हम एक फंदा सीधा उतारेंगे, और फिर हम ये हमारे जितने भी उल्टे हैं छह फंदे, एक फंदा सीधा उतार के छह फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच छह। अब ये हमने छह फंदे उल्टे बुन लिए, फिर हम बारह फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन आठ नौ दस ग्यारह बारह, और फिर छह फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। इस तरह से हमने ये अपनी रो कंप्लीट कर ली। अब हम रॉन्ग साइड से करेंगे, एक फंदा हमने ये बिना बुना उतार लिया और चार फंदे हम उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार, फिर हम दो फंदे सीधे, एक दो, और ये बारह फंदे उल्टे, एक दो तीन दस ग्यारह बारह, और दो फंदे सीधे, एक दो, और पांच फंदे हम ये उल्टे बुनेंगे। इस तरह से देखिए मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी राइट साइड से हमने एक फंदा सीधा उतार लिया। अब हम छह फंदे उल्टे बुनेंगे, इस तरह से हम ये एक फंदा सीधा उतार के और छह फंदे उल्टे बुनेंगे, और फिर हम ये बारह फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच दस ग्यारह बारह, और फिर इसी तरह से ये छह फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। इस तरह से हम अपनी ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रॉन्ग साइड से हमारा ये एक फंदा हमने इस तरह से उल्टा उतार लिया, और फिर हम
ये फंदे, चार फंदे हम ये उल्टे बुनेंगे, एक फंदा उतार लिया और चार फंदे उल्टे और दो फंदे सीधे, एक दो। अब हम 12 फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार आठ नौ दस ग्यारह बारह और दो फंदे सीधे, एक दो और पांच फंदे उल्टे। तो इस तरह से हमने ये रॉन्ग साइड से भी कंप्लीट कर लिया। ये अब राइट साइड से हम एक फंदा इस तरह से सीधा उतार लेंगे और फिर छह फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच छह, और अब हम तीन फंदे उल्टे बनेंगे, एक दो तीन और छह फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच छह, और फिर हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन। तीन फंदे सीधे बुनने के बाद छह फंदे उल्टे बुनेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये अब हमारी रॉन्ग साइड से एक फंदा हम बिना बुने इस तरह बिना बुने हुए उतार लेंगे और उसके बाद फिर हम चार फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार और दो फंदे सीधे, एक दो और फिर ये 12 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन नौ दस ग्यारह बारह और दो फंदे सीधे, एक दो और ये पांच फंदे लास्ट के, इन्हें भी हम उल्टा बुनेंगे। ये इस तरह से हमारी रॉन्ग साइड से भी कंप्लीट हो गई। अब इस तरह से हम जिस तरह ये हमने ये लाइन बुनी है इसी तरह से हम और बुनेंगे। ये देखिए एक फंदा सीधा और छह फंदे उल्टे, तीन चार पांच छह और फिर एक दो तीन, तीन फंदे सीधे फिर छह फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच छह फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन और छह फंदे उल्टे और एक फंदा लास्ट का सीधा। फ्रेंड्स देखिए अब हम ये अपनी रॉन्ग साइड में आ गए। ये हमने एक फंदा उल्टा बिना बुने उतार लिया, ये हमने पांच फंदे हो गए, एक हमने बिना बुना उतार लिया और चार फंदे उल्टे बुन लिए और उसके बाद फिर हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो और फिर 12 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, दो दस ग्यारह बारह और दो फंदे सीधे, एक दो और ये जो बाकी के पांच फंदे हैं ये भी उल्टे बुनेंगे। अब हमारी ये राइट साइड है, इसमें भी हम इसी तरह एक फंदा हमने सीधा उतार लिया और छह फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच छह और तीन फंदे सीधे, एक दो तीन छह फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच छह और तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। अब हमारे ये बाकी के जो फंदे हैं ये सारे हम उल्टे बुनेंगे और लास्ट का एज का जो फंदा है वो हम सीधा बुनेंगे। फ्रेंड्स ये रॉन्ग साइड हमारी, एक फंदा हमने बिना बुना उतार लिया और चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार और दो फंदे सीधे, एक दो और ये 12 फंदे हमारे जो बीच के हैं ये उल्टे, एक दो तीन दस ग्यारह बारह और दो फंदे सीधे और ये पांच फंदे उल्टे। अब राइट साइड से भी अभी इसी तरह की हम दो सिलाइयां और बनाएंगे। ये इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट रो में एक फंदा सीधा
और छह फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच छह, और जो बीच के हमारे ये 12 फंदे हैं ये सारे हम सीधे बुनेंगे, एक दो तीन 11 12, और ये हमारे 6 फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच छह और एक फंदा सीधा। इस तरह से हमने ये राइट साइड कंप्लीट कर ली। अब हमारी ये रॉन्ग साइड है, इसमें हम एक फंदा बिना बुने इस तरह से उल्टा उतार के और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन 4 और 2 फंदे सीधे, एक दो और 12 फंदे उल्टे, एक दो तीन 10 11 12 और 2 फंदे सीधे, एक दो और 5 फंदे लास्ट के उल्टे। ये देखिए इस तरह से हमने ये रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर लिया। अब हमारे ये राइट साइड है, एक फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे और एक दो तीन 4 5 छह फंदे हमने ये उल्टे बना लिए। अब इन्हें हम पहले जैसे ट्विस्ट किया था, अब हमें इसी तरह इन फंदों का केबल बनाना है। तो पहले हम ये दूसरे सिलाई पे 3 फंदे, एक दो तीन, ये 3 फंदे इस तरह से उतार लेंगे और धागा आगे करके पहले हम इन फंदों को 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, एक दो तीन, और जो ये फंदे थे अब इन्हें हम इस सिलाई पे उतार के और इन्हें भी हम सीधा ही बुन लेंगे। एक दो तीन, इसी तरह से अब हम ये 3 फंदे, एक दो तीन, ये वाले हम इस तरह से आगे कर लेंगे और अब इन 3 फंदों को पहले हम बुन लेंगे, एक दो तीन, और ये जो 3 फंदे थे इन्हें हम इस सिलाई पे इस तरह से उतार लेंगे, एक दो तीन, और इन्हें भी हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पैटर्न बन जाएगा। अब हम धागा इधर करके ये हम 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन 4 5 6 और धागा आगे करके एक फंदा सीधा। अब हम इसे इसी तरह से रॉन्ग साइड से बुनेंगे। ये हमारा रॉन्ग साइड से एक फंदा हमने बिना बुना उतार लिया और हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 3 4 और 2 फंदे सीधे, एक दो, और ये 12 फंदे उल्टे, एक दो 11 12 और 2 फंदे सीधे, एक दो, और ये हमारे लास्ट के 5 फंदे उल्टे, एक दो तीन 4 5। तो इस तरह से हमारी ये रॉन्ग साइड से कंप्लीट हो गई। अब हमारे राइट साइड से फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे ये राइट साइड से ये फंदा हमने एक सीधा इस तरह से उतार लिया और ये 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन 4 5 6 और ये 12 फंदे सीधे, एक दो तीन 10 11 12 और फिर ये 6 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। और रॉन्ग साइड से एक फंदा हमने इस तरह से उल्टा बिना बुना उतार लिया और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन 4 और 2 फंदे सीधे, एक दो 12 फंदे उल्टे, एक
दो तीन दस ग्यारह बारह, और दो फंदे सीधे, एक दो, और ये पांच फंदे उल्टे बनेंगे, एक दो तीन चार पांच। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा पैटर्न है, ये जो अभी हमने दो सिलाइयाँ बुनी थी, हमने ये पूरी रो कंप्लीट की थी, यही चीजें हमें नेक्स्ट दोहरानी है, यही ये पैटर्न हमें आगे रिपीट करना है, देन उसके बाद हमें केबल बनाना है। फ्रेंड्स, इन्हीं दो सिलाइयों को रिपीट करते हुए मैंने ये 10 सिलाई बुन ली है। अब हम जिस तरह से यहाँ पे केबल डाला था, अब यहाँ पे इसी तरह केबल डालेंगे और नेक्स्ट इसी तरह से इस पूरे डिजाइन को हम रिपीट करते हैं। तो अब मैं इसे बताती हूँ आपको। ये फर्स्ट फंदा हमने ऐसे सीधा बुन लिया, और फिर हम एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे हम उल्टे बुनेंगे, और उसके बाद फिर हम तीन फंदे दूसरी सिलाई पे उतार लेंगे, एक दो तीन, और इन्हें हम आगे कर लेंगे, और उसके बाद धागा आगे करके हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन, और जो ये फंदे इस सिलाई पे उतारे थे, ये हम वापस इसी पे इस तरह से उतार लेंगे, और फिर इन्हें भी हम सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन, और फिर इसी तरह से ये तीन फंदे, एक दो तीन, ये हम इस तरह से दूसरे सिलाई पे इस तरह से उतार लेंगे, इन्हें आगे किए थे, अब इन्हें हम पीछे करेंगे और पहले इन तीन फंदों को बुनेंगे, पीछे वाले फंदों को, एक दो तीन, और फिर जो ये दूसरी सिलाई के फंदे हैं, ये हम इस सिलाई पे उतार लेंगे। और फिर इन्हें भी हम सीधा ही बुन लेंगे, एक दो तीन, और छह फंदे हम उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच छः, और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से हमारी ये कंप्लीट हो गई। अब हम रॉन्ग साइड से पांच फंदे, एक फंदा हमने उतार लिया और चार फंदे उल्टे, पांच फंदे इस तरह से हम उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार, और दो फंदे सीधे, एक दो, और जो ये बीच के फंदे हमारे, ये 12 फंदे हम इनको उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन ग्यारह बारह, और दो फंदे सीधे, एक दो, और ये हमारे पांच फंदे उल्टे, एक। फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से हमने ये डिज़ाइन, ये रो हमारी कंप्लीट हो गई, और ये बनने के बाद देखिए ये डिज़ाइन इस तरह से हमारा लगेगा। अब ये जो हमने यहाँ पे केबल डाला था, ये केबल मैंने यहाँ डाल दिया, और ऊपर से जहाँ से ये हमने यहाँ से बुनाई स्टार्ट की थी, वही सारी अब हमें ऊपर रिपीट करते जाना है। तो ये डिज़ाइन अगर आप चाहते हैं कि सेंटर से डाले एक बड़ा करके, तो भी डाल सकते हैं, अगर ये तीन चाहते हैं तो तीन भी डाल सकते हैं, और इस तरह के आप पूरे, अगर पैटर्न पूरे स्वेटर में डालना चाहते हैं तो भी आप डाल सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए, हाँ ये लंबा जरूर है, लेकिन ये डालने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है, और वैसे भी ये बिल्कुल ईजी है, ये देखने में जितना मुश्किल है ये उतना ही आसान है। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो और मेरा डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पास में बेल आइकन उसे भी हिट कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए उसका। तो इस तरह से फिर मिलते हैं किसी न्यू पैटर्न और नए स्वेटर डिज़ाइन के साथ। टिल देन, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।